सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में अपन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इन दोनों से जो न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में पूरा पूरा बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चालू करते हैं इस वीडियो को। तो वेक्टर्स का ये लेक्चर 7th है अपना। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, उसको जाके उस प्लेलिस्ट में जाके जो भी क्या बोलते हैं अपना पोर्शन वीक होगा वाला लेक्चर देख लेना। अपने टॉपिक मैंने थंबनेल में डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पोजिशन वैक्टर। पोजिशन वैक्टर तुम लोग अभी तक तो देख चुके हो यार, है ना। मैं सिर्फ बताना है कि अभी क्या क्या होता है। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बताना है इसके बाद मेरे को, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ फिर। पोजिशन वैक्टर, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर। पोजिशन वैक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट होते हैं किसी भी पोजिशन पार्टिकल का। इट गिव्स पोजिशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी चूजन ओरिजिन। ठीक है, पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, छोड़ो इसको, अपन अपना देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई ओरिजिन है, मान लेते हैं ये कोई ओरिजिन है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, ये कोई ओरिजिन है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है भाई साहब, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा? तुम लोग को पता होगा तो तुम बोलोगे ओरिजिन से एक वेक्टर है, ऐसे करके मैं ले जाऊंगा इसके पास, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं? हाँ भाई, वही तो। मान लेते हैं ये x और y पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आ जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा r वेक्टर, r वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर समझ लो, इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, यही तो इसका पोजीशन वेक्टर है। तो अब तुम लोग बोलोगे इसमें नई चीज़ क्या है, ये तो अभी तक अपन देखते ही आ रहे थे। मैं कब बोला तो नई चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, पोजीशन वेक्टर तो नई हाथ थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नया है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये किस वेक्टर के द्वारा दिया जाता है? पोजीशन वेक्टर के द्वारा। और ये जो पोजीशन है ओरिजिन से यहाँ तक का, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, वो कैसे निकालेंगे? तो उसके निकालने के लिए अपन लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर वाला, इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब किसी को काला जादू टाइप का तो नहीं लग रहा ना, क्या किया मैं? अरे भाई बता देना चाहिए, आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये किया हूँ ना, तब जाके ये आया है मेरे पास। तो मतलब क्या, अरे मैग्नीट्यूड कहाँ लिख रहा हूँ मैं अभी, ये आर वेक्टर। और मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे? ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। तो अब क्या, इसका लेंथ मिल गया, ठीक है, ये पोजीशन ओरिजिन से मिल गई। तो अपने को ये बात पता चल गई कि किसी भी पार्टिकल का अपने को पोजीशन चाहिए, तो अपने को किसकी ज़रूरत है? पोजीशन वेक्टर की। इसकी ज़रूरत पोजीशन वेक्टर की, ठीक है भाई साहब, बहुत सही है। और क्या चीज़ है इसमें बताने के लिए, और क्या, और एक पॉइंट है बताने को, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन आर्बिट्रेरी ओरिजिन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज मतलब हमेशा डिपेंड करता है। मान लो ये ओरिजिन मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर दूँ तो क्या इस आर का वैल्यू कम होगा? हाँ होगा। तो ये भी कम होगा? हाँ होगा। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रिफरेंस छोड़ो ये अभी तुम लोग नहीं पढ़ो, काइनामेटिक्स में पढ़ोगे इसको। ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन मैं क्या बोलूँ आर्बिट्रेरी ओरिजिन बोल लेता हूँ, ठीक है। ऑलवेज डिपेंड ऑन आर्बिट्रेरी ओरिजिन, ठीक है।
हमेशा ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ओरिजिन लिए हैं, यहाँ की जगह यहाँ ले लेते तो आर की वैल्यू घट जाती। ठीक है, ये तो बात हो गई टू डायमेंशनल पोजिशन वेक्टर की। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल पोजिशन वेक्टर। एक सेकेंड इसको मिटा लेने दो भाई साहब, बड़े गम है जीवन में। ठीक, चलो 3D में देखते हैं। 3D, हाँ ठीक है, चलो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पोजीशन में है एक्स वाई जेड। तुम लोग बोलोगे 2D में ही दिख रहा है, अभी 3D में दिखाता हूँ बाबू लोग। ये और ऐसे करके बनाता हूँ, तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा ऐसा ओरिजिन से 0 0 0 से ये। अब आया थोड़ा 3D टाइप का फील है, है, है? आया कि नहीं यार, आया होगा ना यार, ये ऐसे करके 3D में एक्स वाई जेड ये तीनों के बराबर। अरे यार रुक जाओ, तुम लोगों को दिखाना ही पड़ेगा फील कैसे दिलाया जाए। हाँ ये कॉपी है। अरे भाई साहब नीचे बेस के लिए तो कुछ है ही नहीं इसमें। मान लो ना यार दीवार का कोंटा है, मेरे पास कुछ है नहीं यार 3D में दिखाने के लिए, वरना मैं दिखा देता। ठीक है मान लो दीवार, चलो कॉपी से ही दिखाता हूँ। हाँ तो मान लो कि ऐसा टाइप का कुछ है, ठीक है ऐसा ये तो दिख रहा है ना, हैं तो ऐसा तीनों के बीच में ऐसा टाइप का वेक्टर बना हुआ है, कोई ऐसा पॉइंट है तीनों के बीच में, किसी दो एक्सिस में नहीं है ये, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, किसी दो एक्सिस में नहीं है, ये तीनों एक्सिस के बीच में एक पॉइंट ऐसे करके। ये पोजिशन वेक्टर है जो ब्लू वाला मार्कर दिखा रहा है ना ऐसे करके ये, ठीक है ये पोजिशन वेक्टर है। ठीक, तो इस टर्म में क्या बोलते हैं आर वेक्टर, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, इसको कैसे दिखाते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पोजीशन वेक्टर ऐसे शो होता है इस सिचुएशन में। तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे दिखाऊंगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और मैं यूनिट वेक्टर दे कैसे दिखाऊंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है भाई, तो इतना ही था पोजीशन वेक्टर में। अब अपन जो है ना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। ठीक, तो अब भाई बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से देख के ध्यान लगा के देखना। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेफरेंस टू अदर पॉइंट अदर देन ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोले तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, चलो समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये है अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। ठीक है, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। अगर मान लो कोई पॉइंट लूँ मैं यहाँ पे, ये x1 y1, ठीक है,
क्या पॉइंट लिया, एक्स वन वाई वन, और इसका पोजीशन वेक्टर लूँ ये, इसको क्या बोलूँ मैं, आर वन बोलूँ क्या, इसको मैं आर वन बोलता हूँ, लो आर वन वेक्टर, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट लूँ यहाँ पे, जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, ओरिजिन से, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर आर टू है, ठीक है, और ये है एक्स टू वाई टू, ठीक। अब मेरे मन में आया ख्याल, मेरे मन में आया ख्याल कि इस पार्टिकल बी, इसको पार्टिकल बी नाम दे देते हैं, और ये पार्टिकल ए है, इस पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में क्या है, फिर से बोलता हूँ, पोजीशन बी का जो मतलब ये बी है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, जो बी है उसका पोजीशन वेक्टर है ए के रेस्पेक्ट में क्या है, मतलब क्या, मतलब मैं पोजीशन वेक्टर का रिफरेंस पॉइंट ही चेंज कर दिया, मतलब पोजीशन वेक्टर पहले ओरिजिन ले रहे थे अपन, अब मैं ए ले लूँ, ठीक है, अब ए के बी के रेस्पेक्ट, मतलब बी का ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, किससे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, ठीक है। इसको इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो भी ये जो है काम करता है, ठीक है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ ये वो भी बताता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बोला इधर से एक पॉइंट है, ये आर वन वेक्टर है, यहाँ एक पॉइंट है, ये आर टू वेक्टर है, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या होगा, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा करके एरो निकालूंगा इसके तरफ, जी बिल्कुल, इधर ऐसे करके एक एरो निकाल दूंगा मैं, है ना, तो इसको जो है ये जो वेक्टर है, इस पर्टिकुलर वेक्टर को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किससे शो करते हैं, किसी भी टर्म के आगे डेल्टा लगा के, जैसे यहाँ पे आर लिया ना, तो ये डेल्टा आर, डेल्टा बोले तो ये ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, मतलब इसके टर्म में ये कितना दूर है, या फिर इस पोजीशन से ये इस पोजीशन कितना डिस्प्लेस हुआ, ये डेल्टा आर, ठीक भाई, बहुत सही। अब देखो अपने को यहाँ कुछ तो लग रहा है, कुछ तो दिख रहा है, हाँ कुछ तो दिख रहा है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये तीसरा वेक्टर, कहीं इसमें ट्रायंगल लॉ तो नहीं लगेगा, मेरे को तो दिख रहा है ट्रायंगल लॉ लगता हुआ, है ना, ट्रायंगल लॉ लगता हुआ अपने को तो दिख रहा है, कैसा ट्रायंगल लॉ, आर वन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर, क्यों भाई, ये प्लस ये इज इक्वल टू जो अपोजिट में जा रहा है वो, ये प्लस ये जो अपोजिट में जाता है वो, है ना, तो आर वन वैक्टर प्लस डेल्टा आर वन इज इक्वल टू आर टू वैक्टर, हाँ ये लगेगा कि नहीं, हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई साहब, ये तो लग के रहेगा, ठीक है, तो यहाँ मैं डेल्टा आर वैक्टर को यहीं रखूँ और इस आर वन वैक्टर को इधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, ये तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अपने पास फॉर्मूला आ गया है, क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया अपने पास, ठीक है। अब मेरे को पता है कि आर वन इज इक्वल्स टू है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, और आर टू इज इक्वल्स टू है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, ठीक है, ये R1, ये R2, तो क्या ये R1 और ये R2 का वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँ, डाल देता हूँ,
तो डेल्टा आर वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, आर टू की जगह ये, तो एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस वाई टू जे माइनस एक्स वन आई के माइनस वाई वन जे के, ठीक है। तो अब आई कैप एक साथ, जे कैप एक साथ ले लेते हैं, तो डेल्टा आर वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। मेरे को कहीं तो ये देखा हुआ दिख रहा है, कहीं देखा है क्या भाई साहब इसको, इसको तो नहीं देखा है कहीं, ठीक है अभी दिखाते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ, इस डेल्टा आर का मैं मैग्नीट्यूड लूँ, तो कैसे लूँगा, कैसे लूँगा क्या, डेल्टा आर लिखूँगा, ऐसे लूँगा, ऐसे वेक्टर डालूँगा, इधर रूट लगाऊँगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख दूँगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, है ना, है कि नहीं भाई, एक सेकेंड, हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, है ना, यही लिखूंगा ना भाई साहब। अब ये टर्म कहीं देखा हुआ दिख रहा है, कहाँ देखा है इसको, इसको हमने देखा है गणित में, इसको कहाँ देखा है, गणित में देखा है, गणित में कब, नवी कक्षा में देखा है, किस नाम से देखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से इसको देखा है। तो मतलब अब हाँ मेरे को समझ में आ रहा है हल्का हल्का सा, हल्का हल्का सा, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब लगा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा खुलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा फॉर्मूला मेरे पास आया, डेल्टा आर का, ये दूसरा फॉर्मूला डेल्टा आर का, और डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड का। अब मैं डेल्टा आर के यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ, डेल्टा आर का यूनिट वेक्टर कहाँ निकाला जाए, अब डेल्टा आर का यूनिट वेक्टर मैं यहाँ कहीं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अरे यार चलो यहीं पे हल्का हल्का सा धीरे से, डेल्टा आर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। तो क्या लिखूंगा, डेल्टा आर R2 या फिर ये लिख दूंगा, ये वाला टर्म लिख दूंगा उठा के, तो X2 माइनस X1 प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप और ये I कैप अपॉन, और इधर नीचे ये डाल दूंगा रूट, और ये वाली टर्म लिख दूंगा, तो ये क्या जाएगा, X2 माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का, एक सेकेंड यार दिख भी रहा है कि नहीं तुम लोग को, हाँ भाई यहाँ इतने नीचे तक तो आ रहा है, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, पूरा कचड़ा हो गया है यहाँ पे ना, चलो ठीक है, नहीं यार इसको ना इसको मिटा ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप अपॉन रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है। ये है यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला, ये उसका दूसरा फॉर्मूला, ये उसका मैग्नीट्यूड। अब जो है अपन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3D, ठीक है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 3D, ठीक है। तो अब देखते हैं यार डिस्प्लेसमेंट इन 3 डायमेंशन, अभी तो 2 डायमेंशन में देखा था अपने, ठीक है। तो उस समय क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आया था, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखने का है। तो मान लेते हैं कोई थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ऊपर वाई इधर एक्स और इधर जेड, ठीक है। तो मेरा कोई वेक्टर है से ये,
अभी पोजिशन वेक्टर में दिखाया था ना कैसे 3D में आता है वैसे। और कोई दूसरा वेक्टर है, ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर, ठीक है। ये इधर R1 वेक्टर है, इधर R2 वेक्टर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर जाएगा? ये जाएगा इधर, ये है डेल्टा R करके, ठीक है। तो अब ये जो है ये X1 Y1 Z1 हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया X2 Y2 Z2, ठीक है। तो मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये जाएगा तो जाएगा किधर, ठीक है, और निकलेगा तो निकलेगा किधर, ठीक है, देखते हैं। तो मेरे को पता है डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 है ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं डेल्टा आर लिखता हूँ, फिर R2 की जगह क्या मैं ये डाल सकता हूँ, X1 i कैप प्लस Y1 j कैप प्लस Z1 k कैप, बिल्कुल डाल सकता हूँ, माइनस, अरे X1 नहीं है यार, ये R2 है ना यार, R2 X2 Y2 Z2 माइनस X1 i कैप प्लस Y1 j कैप प्लस Z1 k कैप, ठीक है, बिल्कुल ये डाल सकता हूँ। तो मेरा डेल्टा आर क्या आ जाएगा, मेरा डेल्टा आर आ जाएगा X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप, ठीक है। ये जो है मेरा डेल्टा आर आ जाएगा। तो इस डेल्टा आर का मेरा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, तो मैं रूट डालूंगा और इन सब का स्क्वायर करने लग जाऊंगा, बिल्कुल X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये कितने लेंथ का है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो इससे पता चल जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पूरा फॉर्म, ठीक है। अब और क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर क्या होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो लो भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको पूरा लिख देने का, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 का जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 का के कैप अपॉन दी होल डिवाइडेड बाय लगाने का रूट, ठीक है, लगाने का यहाँ पे रूट, और क्या यहाँ पे ये पूरा टर्म दाग देने का, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना भाई साहब, हाँ दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा सा आएगा। तो ये हो गया पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3D में। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे हमारे फेवरेट अच्छे अच्छे सवाल और न्यूमेरिकल्स, चलिए शुरू करते हैं फिर। अब बात करते हैं यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्वेश्चंस की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A2462B32-3, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट पूछ दिया है इसमें, और दो पॉइंट डायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो अपन R1 क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है ना भाई, R2 माइनस R1, बस यहीं पे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि R1 कहाँ क्या लेना है और R2 क्या लेना है। तो R1 जो है वो लेना है जहाँ से निकला, तो A से निकल रहा है B की तरफ, तो A को जो है ना R1 लेना है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, आई जे के फॉर्म में ले लेना सीधा, ये आई ये जे ये के एक्स वाई जेड फॉर्म में कोऑर्डिनेट है ना। अब जो है R2 देखते हैं,
आर टू वेक्टर, ठीक है, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, ठीक है, ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं, ये ना आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, तो ये हो जाएगा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ये हुआ। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू मतलब आई वाला आई से माइनस, जे वाला जे से माइनस, के वाला के से माइनस, तो थ्री माइनस टू मतलब वन आई कैप, वन आई कैप, ठीक है, टू माइनस फोर माइनस टू जे कैप, माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन के कैप, ठीक है। तो ऐसे था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, ये इतना है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे आएगा देखते। अच्छा ये तीन वाला है ना, दो वाला रहता तो दिखाता यार, जेड एक्सिस भी आ गया है, इसको समझ ही नहीं पाओगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो चलो ये वाला देखते हैं। तो अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लेते हैं, लीजिए, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स 10 मीटर इन माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर, ये ठीक है भाई, 10 मीटर चल लिया माइनस एक्स डायरेक्शन में मैं, ठीक, देन टर्न्स मूव इन 10 मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन, अच्छा 90 डिग्री टर्न किया और वाई डायरेक्शन में 10 मीटर, बहुत सही, ठीक है, एंड टर्न्स अगेन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री वो फिर से टर्न हो गया, मतलब यहाँ से ऐसे गया फिर 90 डिग्री, अब 90 डिग्री टर्न होगा तो कहाँ जाएगा, ऐसे इस तरफ, इधर जेड एक्सिस की तरफ आएगा, ये इधर फिर 90 डिग्री टर्न होगा तो उधर, फिर 90 डिग्री टर्न होगा तो इधर जेड एक्सिस की तरफ, मूव्स इन 20 मीटर मतलब जेड एक्सिस में ये जो है 20 मीटर चला, 20 मीटर, ठीक है, एंड स्टॉप्स, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 236, 236 जो पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में ये जो जितना चला है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो ये कितना चला है, ये आखिरी में 20 मीटर चल के रुक गया, तो पहले x में कितना चला, माइनस 10, क्योंकि x में माइनस की डायरेक्शन में चला है ना, तो माइनस 10, फिर क्या चला y में 10 ऊपर की तरफ, तो 10, अब क्या z में 20 की तरफ, तो 20, और किसके रेस्पेक्ट में, 236, ये देखो इसमें मैं दोनों पॉइंट ढूंढ के निकाल लिया, एक तो दिया हुआ था एक मैं ढूंढ के निकाला हूँ, तो अब इसके रेस्पेक्ट में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करते हैं, तो आर वन क्या है अपने पास, आर वन है टू आई कैप, आर वन इसको क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से निकला है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ठीक है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप, आर टू क्या हो जाएगा, आर टू क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा माइनस टेन आई कैप प्लस टेन जे कैप प्लस ट्वेंटी के कैप, ये जो है ये आर टू हो जाएगा। तो अब डेल्टा आर निकालना है अपने को, तो किस बात की देरी, निकालो डेल्टा आर, आर टू माइनस आर वन करके, ये तो टेन माइनस, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, माइनस टेन माइनस टू माइनस ट्वेल्व आई कैप, 10 माइनस थ्री सेवन जे कैप, सेवन जे कैप, 20 माइनस सिक्स 14 के कैप, तो ये जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, ये ठीक भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे के, अब करते हैं इस क्वेश्चन की बात, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इंसेक्ट क्रॉस फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक कीड़ा जो है, एक कीड़ा रेंग रहा है ए से बी की तरफ, ठीक है, वे बी इज रेक्टेंगुलर स्लैंट फेस सेंटर, ठीक है, सेंटर तो लिखना भूल ही गया मैं, सेंटर मतलब इस रेक्टेंगुलर स्लैंट फेस, इस ये वाले फेस का सेंटर है बी, ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए और बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना, पहले ए का कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं,
ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स में तो ए नहीं है, ए एग्जिस्ट करता है वाई और जेड प्लेन में, तो वाई में दो और जेड में है एक, तो जीरो वाई कितना है दो और जेड में है एक, ठीक। ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया। अब अपन पता करते हैं बी का कोऑर्डिनेट। बी का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? बी का कोऑर्डिनेट, बी सेंटर है, तो बी एक्स से भी सेंटर होगा, वाई से भी सेंटर होगा, जेड से भी सेंटर में होगा। तो एक्स जो है थ्री है, तो एक्स में थ्री बाई टू होना चाहिए इसको सेंटर, मतलब तो थ्री बाई टू। वाई दो है, तो दो का आधा एक, सेंटर करिए, ठीक है। जेड एक है, तो एक का आधा हाफ। तो इन दो पॉइंट्स के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है अपने को, समझ रहे हो? तो चलो फिर, तो मान लेते हैं आर वन वेक्टर जो है वो है जीरो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, और आर टू वेक्टर क्या दिया है अपने को? थ्री बाई टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस हाफ के कैप। तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा? आर टू माइनस आर वन। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? आर टू माइनस आर वन, तो आई का आई से जे का जे से के का के से, तो थ्री बाई टू माइनस जीरो, थ्री बाई टू ही रहेगा आई के, ठीक है। वन माइनस टू, वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन जे के, हाफ माइनस टू, हाफ माइनस टू कितना होगा? हाफ माइनस टू, तो टू इधर, तो माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू के के। तो ये जो है ये अपना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। हमने वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो बोला नहीं है, तो अपन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक निकाल के यहाँ पे छोड़ देंगे। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं यार, एक चाहिए एडवांस का बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थ्री वेक्टर पी क्यू आर, लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन आर वेक्टर, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस इज बी मैग्नीट्यूड आर, द जनरल रिलेशन अमंग पी क्यू एंड एस इज, और ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया है। पी क्यू आर, ये पी वेक्टर, आर वेक्टर, क्यू वेक्टर। अब अपने को बोला है कि एक एस वेक्टर लेना है कोई पॉइंट, एक एस पॉइंट लेना है किसी वेक्टर आर पे, तो मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर मैं ले लेता हूँ एस वेक्टर करके, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर मैं एस वेक्टर करके ले लिया, चलो ठीक है। ऑन आर वेक्टर द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस इज बी मैग्नीट्यूड ऑफ द जनरल रिलेशन अमंग पी क्यू और एस, पी क्यू एस के बीच का जनरल रिलेशन, और पी और एस का जो वो है मैग्नीट्यूड वो दिया है बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब P से S तक की जो दूरी है वो B मैग्नीट्यूड R है, और B का वैल्यू अपने को दिया नहीं है, और P, Q, S के बीच में रिलेशन बताने बोले। तो अगर मैं मान लूँ कि ये P वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? ये P वेक्टर, ये R वेक्टर और Q वेक्टर अपोजिट में, तो ट्रायंगल लॉ से ये हो सकता है। तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर ले लूँ क्या? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं भाई, पहले तो देखूँ। हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर ले सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ मैं एक ठुक और छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये P वाला है, ये मान लेते हैं S है, और ये ऐसा कुछ एस वेक्टर है, और ये है पी वेक्टर, हाँ ठीक। अब ये पी से एस का मैग्नीट्यूड तो दे दिया बी मैग्नीट्यूड आर, अब मेरे को वेक्टर लेना होगा, तो क्या मैं इसको बी आर वेक्टर ले सकता हूँ क्या? सिर्फ वेक्टर चाहिए मेरे को, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं है। हाँ मैग्नीट्यूड दिया, मैं वेक्टर ले रहा हूँ, तो b मैग्नीट्यूड r दिया है, तो क्या उसका वेक्टर टर्म लूँगा तो b r वेक्टर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि b r वेक्टर इज इक्वल्स टू p वेक्टर s वेक्टर माइनस p वेक्टर। कैसे कैसे कैसे? p वेक्टर प्लस b r वेक्टर इज इक्वल्स टू s वेक्टर था, तो
पी वेक्टर को मैं यहाँ से यहाँ ले गया तो माइनस में आ गया ये, ठीक है। कैसे कैसे समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलो देखते, पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एस वेक्टर, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू ये ट्रायंगल लॉस है, तो बी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, बहुत सही। अब आर वेक्टर मेरे को यहाँ मिला था क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या यहाँ मैं डाल सकता हूँ आर वेक्टर को, डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर इक्वल्स टू एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर। अब और कोई वेक्टर बच रहा है क्या यहाँ पे पी क्यू और एस के अलावा, पी है क्यू है एस है पी है, ठीक है। पहले ऊपर वाले टर्म में आर था ना, आर को हटा दिया अपन, पी क्यू एस, हाँ ये रिलेशन बनेगा इनके बीच, इसको थोड़ा सजा देते हैं यार इस रिलेशन को, तो बी क्यू माइनस बी पी इज इक्वल्स टू एस माइनस पी वेक्टर, पी वेक्टर। तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, ये पी को इधर ले आता हूँ, तो एस वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी वेक्टर इंटू वन माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर, हाँ ये रिलेशन इनके बीच बनेगा। अब मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ ऐसे डालना था, क्योंकि जब मैं ये रिलेशन बनाया तो यहाँ पे आर था और मेरे को रिलेशन निकालना है पी क्यू और एस के टर्म्स में, तो मैं आर को क्यू और पी के टर्म में डाल दिया बस और खोल दिया बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, ये जेई एडवांस में आया था, ठीक है। तो अगला देखते हैं यार, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ बोट सेल्स 2 किलोमीटर ईस्ट 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट एंड फाइनली एन अननोन डिस्प्लेसमेंट, तीन बार डिस्प्लेस हुआ है, पहली बार ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यार, तो देखो ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ और ये है वेस्ट, ठीक है। अननोन डिस्प्लेसमेंट तीसरा वाला, इफ फाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर, इफ फाइनल है यार ये, फाइंड नहीं है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर ईस्ट, फाइंड द थर्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो पहला डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट बोले तो ईस्ट से 37 डिग्री, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब है 37 डिग्री से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से 37 डिग्री मतलब यहां से कहीं ये 37 डिग्री, यहां 5 किलोमीटर चला, पहले 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब एक अननोन डिस्प्लेसमेंट किया, अब तीसरी बार कहीं और डिस्प्लेस हुआ, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट किया तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर ईस्ट, अब पता नहीं किस तरफ कहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ, ये मेरे को नहीं पता किधर डिस्प्लेस हुआ, ये मान लेते हैं मैं इधर डिस्प्लेस हुआ, ठीक है एक्स के में, ठीक है इतना डिस्प्लेस हुआ, और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आया है मतलब जो अपने ओरिजिनल ओरिजिन से जो जितना डिस्प्लेस हुआ है वो दिया हुआ है मेरे को 6 किलोमीटर ईस्ट, तो मैं ईस्ट को जो है आई मान लेता हूँ मतलब एक्स एक्सिस, तो 6i कैप जो है मेरे को दिया हुआ है आखिरी में डिस्प्लेसमेंट इतना, ठीक है। पहला डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो मैं इसको क्या मानूँ, 2i कैप मान लूँ, क्योंकि ईस्ट को मैं आई माना हूँ, ये जे ये माइनस जे ये माइनस आई, ठीक है, तो ये 2i हो गया। 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एस इज इक्वल टू 5 cos 37 i कैप प्लस 5 sin 37 j कैप, कैसे, क्योंकि मैं ईस्ट को एक्स एक्सिस माना हूँ, तो 5 cos 37 x में फिर sin 37 y में साउथ की तरफ, ठीक है। और तीसरा डिस्प्लेसमेंट वो मान लेता हूँ मैं r, ठीक है। इन तीनों को जब मैं सम करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 6 i कैप, ठीक है। तो चलो भाई करता हूँ, पहले मैं ये s वेक्टर पूरा निकाल लेता हूँ, तो 5 into cos 37 हो जाएगा
बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5 प्लस 5 sin 37 3/5 5 से 5 गया 5 से 5 4 + 3 मतलब 4i कैप प्लस 3j कैप ठीक है। अब मैं तीनों को प्लस करता हूँ तो 2i कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या दिया है मेरे को 6j कैप दिया है, ये बोला है क्वेश्चन में एक्चुअली में ठीक है। तो मेरे को क्या क्या मिल जाएगा यहाँ से, आर वेक्टर जो जो डिस्प्लेस हुआ है वो वेक्टर कितना है 6i कैप तो ये हो जाएगा यहाँ से 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप तो 6i कैप से 6i कैप कट जाएगा तो आर वेक्टर यहाँ से मिलेगा मेरे को -3j कैप। ओहो ये बात है तो आर वेक्टर जो है -3j कैप मिलेगा। -3j कैप का मतलब ये इस तरफ जाएगा, जे कैप बोले तो ये इस तरफ 3 किलोमीटर समझ रहे हो, ये ऐसे करना था ये क्वेश्चन ठीक है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर एक चिड़िया है वो ईस्ट की तरफ 100 मीटर उड़ती है ठीक है, ईस्ट की तरफ बोले तो अगर एक प्लेन में दिखाऊं तो ऊपर एक नॉर्थ रहता है नीचे साउथ रहता है, इस तरफ रहता है ईस्ट और इस तरफ रहता है वेस्ट ठीक है। तो एक चिड़िया जो है ईस्ट की तरफ उड़ी पहले 100 मीटर उड़ ली ठीक है, उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चले गई 50 मीटर, नॉर्थ की तरफ बोले तो ऊपर 50 मीटर, देन वो क्या की वर्टिकली अपवर्ड उड़ी 20 मीटर। तो देखो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब क्या है, उनके लिए ईस्ट किधर है इधर, नॉर्थ किधर है इधर ठीक है, ईस्ट इधर है नॉर्थ इधर है साउथ इधर है वेस्ट इधर है और वर्टिकली अपवर्ड उधर है ठीक है। अपने लिए तो अपन तो ईस्ट नॉर्थ साउथ इधर बनाए तो अपने लिए वर्टिकली अपवर्ड किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऐसे बाहर आता हुआ मतलब बोल सकते हो जेड एक्सिस, अगर इसको एक्स एक्सिस मानोगे इसको वाई एक्सिस मानोगे तो जेड एक्सिस में वो उड़ी ऐसे करके ऐसे इधर से ऐसे 20 मीटर ठीक है। तो अपने को एक पॉइंट मिल गया क्या 100x में ठीक है 50y में और 20z में है ना, और अपने को बोला कि उस चिड़िया का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है दूसरी चिड़िया के रेस्पेक्ट में जो कि बैठी है 50 50 50 पे 50 ईस्ट से 50 नॉर्थ से 50 अपवर्ड्स ठीक है वहाँ पे बैठी है इसके रेस्पेक्ट में इसका निकालना है। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 50i कैप प्लस 50j कैप प्लस 50k कैप, R2 क्या हो जाएगा 100i कैप प्लस 50j कैप प्लस 20k कैप। तो डेल्टा आर निकालना है मेरे को मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो R2 - R1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 50i कैप 50 - 50 0j कैप 20 - 50 -30k कैप, ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका इस दूसरी चिड़िया के रेस्पेक्ट में। तो इसी के साथ यार ये वीडियो में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यहीं रैप अप करता हूँ, मिलेंगे अपन अब अगले वीडियो में ठीक है, बाय बाय।